my chair. Today we will start our topic Punjabi alphabet. Okay, तो ये हमारा part 8 है. तो इससे पहले मैंने बहुत सारे part बना चुकी हूँ. मैं part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts बना चुकी हूँ जी. और 7 parts बना चुकी हूँ. अभी हमारा है 8. तो एक बात हमारे पास आते हैं अलफाबेट्स. ध से धन. ध से धन इसको क्या कहते हैं हिंदी में? ध. ओके, आपको ये समझना है कि इसको ध कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं. बस आपको ये समझना है, आपको सारे मतलब अल्फाबेट चैप्टर और सबका सारे आपको आते हैं. उसके सबके पास है न. न से न, उसको कहते हैं हिंदी में न. ओके, उसके बाद आपके पास आते हैं प. पॉस्ट को क्या कहते हैं? पतंग. ओके, हिंदी में कहते हैं. उसके बाद फॉ से फॉ, हिंदी में कहते हैं फॉ. ओके, बस आपको ये याद रखना है कि अल्फाबेट को ध कहते हैं, ये अल्फाबेट को न कहते हैं, ये अल्फाबेट को ये कहा जाता है. आपको अब देखा, आपने अभी सोचा कि जैसे यहाँ पर क्या है, ये है, और यहाँ पर उसी के नीचे क्या है, ये इसमें कुछ डिफरेंस पता लगा? पता लगा हो? बिकॉज इसके ऊपर पूरी लाइन आ रही है, इसके ऊपर पूरी लाइन आ रही है, इसके ऊपर नहीं आ रही. इसके जो इसके मतलब हाफ पार्ट उसमें नहीं आ रही है ना. इसमें आ रही है, उसमें नहीं आ रही है. तो इसको क्या कहते हैं? ध कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? ध कहते हैं. है इस तरह से और भी मतलब अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें मतलब रेखा का अंतर होता है, कि मतलब किस किस चीज़ का अंतर होता है. और वैसे वो सेम होते हैं, होता किस चीज़ का अंतर है. उस तरह से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताई. जैसे सौ, सौ का अगले से म हो जाता है इसकी तरह, है ना. म देखो, इसके ऊपर पूरी लाइन आ रही है, इसमें नहीं आ रही. म में नहीं आ रही. ओके, सो मैं आपको तो अब हम इनको लिखना कैसे लिखते हैं इनको रूल बता दूँ मैं आपको. ये बनाना है सिंपल सी बात है, इसको यो बना दो बस. इसका पूरी लाइन लगनी चाहिए, आपको ये याद रखना है. उसके बाद न कैसे बनते हैं, इसमें एक रेखा पालो, एक मतलब एक छोटी सी डंडी पालो. उसके बाद यहाँ से जो कर्व लाइन ले जानी है बस, न बन गया. ओके, उसके बाद ये लिख. ओके, तो क कैसा बनता है? य बना लो, उसके बीच में मतलब लाइन नहीं आनी चाहिए, इन लाइन रखना है. उसके बाद क कैसे बनाते हैं? ढ होता है ना, ढ हिंदी के अल्फाबेट्स में ढ होता है, उस तरह से उसको बना लेना. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. नहीं आई कोई बात नहीं. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो. बाय फॉर नाउ, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.